शेड्यूल तो आ गया लेकिन इन तीन टीमों को शेड्यूल में एक्स्ट्रा फायदा दे दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 878वां एपिसोड। आज 18 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिनभर की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट इसी तरह से हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो शेड्यूल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी 14 मई को चेपॉक स्टेडियम में अपना फेयरवेल मैच खेलेंगे। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स की माने तो भैया चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से यह कंफर्म हो चुका है कि 14th ऑफ मई को केकेआर के खिलाफ जो चेन्नई सुपर किंग्स मैच खेलने वाली है चेपॉक स्टेडियम में, वो सीएसके का इस साल का आखिरी होम मैचेस होने वाला है और रिपोर्टेडली धोनी का अंतिम आईपीएल मैचेस, फेयरवेल आईपीएल मैच होने वाला है। अब होगा नहीं होगा ये तो आगे पता लगेगा। आपके हिसाब से क्या धोनी को इस साल संन्यास ले लेना चाहिए या फिर 2024 में भी वो खेल सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। तो आरसीबी ने आधिकारिक रूप से कर दी है अपॉइंटमेंट अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग के कप्तान की। दरअसल जब से स्मृति मंदाना को 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा है, तब से ही हमें पता था कि वही कप्तान बनने वाली है। और अब मंदाना के लिए एक लाइक बनता है क्योंकि दुनिया भर के वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी जो कि एक हिंदुस्तानी है, तो इनके लिए लाइक तो बनता है, लेकिन एक दूसरा लाइक इसलिए क्योंकि आरसीबी की टीम की कप्तानी करेंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की तीसरी बड़ी खबर की। तो पिछले दो दिन से लगातार हम प्रसिद्ध कृष्णा और राजस्थान रॉयल्स को देकर खबर बता रहे हैं। अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है राजस्थान रॉयल्स और ESPN क्रिक इन्फो के हवाले से कि प्रसिद्ध कृष्णा इस साल के आईपीएल से ऑफिशियली रूल्ड आउट हो चुके हैं। मतलब वो इस साल भी राजस्थान रॉयल्स के हवाले से नहीं खेलेंगे। हालांकि इनकी रिप्लेसमेंट आएगी या फिर राजस्थान रॉयल्स इनको स्क्वाड में रखेगा ये तो आगे हमें पता लगेगा। एक चीज बता दूं कि 10 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदा है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछला साल भी वो इसी चोट के चलते नहीं खेल पाए थे, उस साल भी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दिनभर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में होगा अंतिम आईपीएल मैच। इस साल 2023 में मोहाली का यह स्टेडियम गवाह बनेगा अपने अंतिम आईपीएल मैच का, क्योंकि इसके बाद भैया इस स्टेडियम का रेनोवेशन का काम होने वाला है और ये स्टेडियम पूरी तरीके से बदलने वाला है। आपको बता दूं कि आखिरी बार 2019-20 का जो क्वार्टरली सीजन बीता था उसमें मोहाली में आईपीएल मैचेस हुए थे और लगभग 1300 दिन हो चुके हैं जब मोहाली में किसी तरह का कोई आईपीएल मैच हुआ नहीं है। लेकिन अब ये जो स्टेडियम है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसको रेनोवेट कर एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। तो शेड्यूल के हवाले से रिपोर्ट है, शेड्यूल ने कर दिया है इन तीन टीमों को एक्स्ट्रा खुश। क्या क्या एक्स्ट्रा फायदे इन तीन टीमों को मिले हैं और क्या क्या है इन तीनों टीमों के नाम, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। इन तीन टीम के नाम है गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। अब आगे इस वीडियो में मैं हर टीम के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि इनको क्या क्या एक्स्ट्रा फायदे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस को शेड्यूल में एक्स्ट्रा फायदा मिला है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जिस होम मैदान पर गुजरात की टीम अपने मैचेस खेलने वाली है, मतलब अहमदाबाद में, वो बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल प्लेऑफ और फाइनल में भी होने वाला है। मतलब प्लेऑफ का एक मैच और फाइनल अहमदाबाद में ही होगा और यही फायदा गुजरात टाइटंस को मिलेगा क्योंकि गुजरात टाइटंस अपने 7 होम मैचेस इस मैदान पर खेलने के बाद इन कंडीशन से भरी वाकिफ हो जाएंगे। और अगर गुजरात की टीम अच्छा खेलकर प्लेऑफ में पहुंचती है तो प्लेऑफ में अहमदाबाद में उनको क्राउड सपोर्ट भी मिल सकता है, बहुत एक्स्ट्रा क्राउड सपोर्ट, और कंडीशंस के बारे में भी उन्हें पता होगा, तो गुजरात के जीतने के चांसेस बाकी 10 टीमों से कुछ परसेंट बढ़ जाएंगे और इसीलिए शेड्यूल में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा है। और इसीलिए मैं लगातार बोलता हूं कि भाई प्लेऑफ के चारों मैचेस किसी भी न्यूट्रल मैदान पर होने चाहिए, जैसे इंदौर हो गया,
जैसे पुणे हो गया या कोची हो गए, ऐसे मैदान जहां पर कोई टीम नहीं है, कोई बेस नहीं है वहां पर। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि अहमदाबाद का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है और वो अलग ही एक उसका चार्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के कारण की। तो राजस्थान रॉयल्स ने शेड्यूल में अपने दो होम मैचेस को गुवाहाटी में रखा है। गुवाहाटी में जाने का फायदा राजस्थान रॉयल्स को होगा और ये एक्स्ट्रा फायदा उन्होंने शेड्यूल में से निकाल लिया है क्योंकि गुवाहाटी का स्टेडियम बड़ा है और वहां पर रियान पराग के कारण लोकल ऑडियंस बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है राजस्थान रॉयल्स के साथ। पहले भी हमने ये चीज देखी कि रियान पराग की लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा सपोर्ट हमने बसरा पारा स्टेडियम गुवाहाटी में देखी। इसका फायदा राजस्थान रॉयल्स कैश इन करना चाहती है और गेट मनी के जरिए एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती है, तो ये फायदा राजस्थान रॉयल्स को शेड्यूल से एक्स्ट्रा मिला है। आगे बढ़ते हैं पंजाब किंग्स का कारण देख लेते हैं, क्योंकि पंजाब की टीम अपने दो होम मैचेस धर्मशाला में खेलने वाली है और धर्मशाला में पंजाब का रिकॉर्ड तो अच्छा है ही। धर्मशाला की एक खास बात यह है कि यहां पर गर्मियों में भी सीमिंग विकेट्स बनाई जा सकती है, तो यहां पर अपने आप को इस कंडीशंस में ढालकर पंजाब किंग्स दो एक्स्ट्रा मैचेस धर्मशाला में इजीली जीत सकती है, जो कि शायद वो मोहाली के आयुष बिंद्रा स्टेडियम में नहीं जीत पाएंगे। तो पंजाब किंग्स का प्लान यह है कि धर्मशाला में सीमिंग विकेट बनाई जाए कगिसो रबाडा, सैम करन और अर्शदीप सिंह के सहारे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के जो दो होम मैचेस ये लोग धर्मशाला में पंजाब की टीम इनके साथ खेलेगी उसको एक तरफा जीता जाए, पॉइंट टेबल पर बढ़त हासिल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दसवीं बड़ी खबर यहाँ से बात करते हैं, तो कौन है आईपीएल इतिहास का सबसे सफल कप्तान। वैसे तो मुंबई इंडियंस के पास सबसे ज्यादा खिताब है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ने स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी अहम बात रखी और बताया आईपीएल इतिहास का बेस्ट कैप्टन कौन है। इन दोनों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान है। दरअसल वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह का मामला मानना है, माफ कीजिए, कि जिन विपरीत परिस्थितियों में महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल मैचेस जीते हैं वो एक कमेंडेबल एक्ट है। हालांकि इरफान पठान भी इसी डिस्कशन में मौजूद थे और पठान के हिसाब से रोहित शर्मा सबसे सफल है। आपके हिसाब से रोहित शर्मा, गौतम गंभीर या महेंद्र सिंह धोनी कौन है सबसे सफल कप्तान, कमेंट बॉक्स नीचे लिख कर बताइए, अपनी राय लिखिए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर अच्छी लगी आपको, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, आपकी राय बहुत अहम है, तो नीचे अपनी राय लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबाइए।